हाय फ्रेंड, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं सुशांत डिटेल स्टेशन प्रो। दोस्तों, आज का वीडियो है डीडी प्रेरिश का ऑटो स्कैन, मतलब आज का डीडी प्रेरिश का ऑटो स्कैन लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि करना ज़रूरी है। ये देखो मेरा वाईफाई सेटिंग, पहले वाला मेरा वाईफाई है, ये देखो। ये देखो कनेक्ट हो जाएगा, ओके कर दिए। ओके करने के बाद सर्च अपने आप को सर्च करके अपना एक्टिव कर देगा। ये देखो हो गया, अच्छा है वो, उसका गेन भी अच्छा है। दोस्तों, मैंने उसमें 2G का रिचार्ज डाला है। पहले वाला चैनल कितना है देखेंगे आप, 823। ओके, अभी ऑटो सर्च करता है। देखो एंटीना सेटिंग है, और एंटीना सेटिंग में जाके ये देखो ये वैसा ही सेम रहने दो, क्योंकि डीडी फ्रिश में ऐसा सेटिंग करना पड़ता है। खाली वो सेटेलाइट लिखा है उसमें चेंज करना पड़ता है। देखो बैंड, ये देखो बैंड आ गया, उसमें सर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये बैंड है ना वो पूरा चैनल लेता है, वो ये करना पड़ता है। ये देखो, और ये भी सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि फ्री वाला भी आता है और यस मतलब पेड वाला भी आता है चैनल, वो दोनों मिला के सब सर्च करता है। ये देखिए सर्च हो गया। दोस्तों, पहले बार मैंने आवाज़ दे रहा हूँ, ऐसा आवाज़ लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा और अपना चैनल का लोगो कैसा लगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्त को। दोस्तों, मेरे पास बहुत वीडियो है लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। अभी ये लेटेस्ट अपडेट है मुंबई का ये, लेकिन जब गाँव जाऊँगा तो आपको जो मेरा 5 डेज का आपको एक वीडियो दे दूँगा, और वो सब कौन से सेटेलाइट में दिखाया मतलब सेट किया है वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि ये मैं आज का नहीं, मैं 99 के जब डिश आया था उस ज़माने से अभी तक वही कर रहा हूँ। मतलब अभी कर रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल क्या है वो मेरे को सब मालूम नहीं था, अभी थोड़ा देख देख के मालूम पड़ा कि भाई ये क्या है। अभी देखो मालूम हुआ है, अभी देखते हैं वीडियो कितना और सब कुछ मतलब जितना है इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। देखो नया तो कुछ दिखता नहीं चैनल, चलो हो रहा है चालू, इसलिए गाँव जाऊंगा तो आपको सबका अपना अपडेट दूंगा, क्योंकि 3 डिश है मेरा अपना, 6 बैंड का 6 फुट का और 2 डिश है क्यू बैंड का छोटा डीडी फ्रिश का, वो तो सब सेटिंग करके लगा है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला। इससे पहला वीडियो बनाने का क्या मतलब मालूम नहीं था, अब क्या है ये अभी मालूम पड़ा। अपना मैंने खुद का चैनल भी निकाला है, अब सब इंफॉर्मेशन आपको दोस्त दूंगा मैं, क्योंकि बहुत ही पुराने ज़माने का वो डिश है, तब से मेरे को उसका वो अनुभव है कि वो क्या चीज़ है, क्या कैसा यूज करने का, अभी मालूम पड़ा है आपको। बरोबर टाइम पे आपको मैं वीडियो दूंगा। ये देखो मेरा हो गया सर ऑटो स्कैन आज का, क्योंकि ऑटो स्कैन करना ज़रूरी है। देखो नए चैनल रहता है वो न्यू ऐड चैनल दिखाता है वो, क्योंकि ऑटो स्कैन करना ज़रूरी है, क्योंकि नया वाला चैनल आता है कभी कभी फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ये देखो मेरा डीएसकेएम सेटिंग मेरा तो ऑन है, इसलिए तो आपको अपडेट करना पड़ता है, कभी कभी टीपी चेंज होता है। ये देखो मेरा, तो आपको ऑटो स्कैन करना ज़रूरी है, और आपको आगे वाला जो चैनल दिखता नहीं वो दिक्कत नहीं आएगा।
इसलिए आप ऑटो स्कैन 1 हफ्ते में या 10 दिन के बाद करना ही करना है, क्योंकि ये जो बंद हुआ चैनल वो भी आपको दिखेगा। क्योंकि पगार का ऐसा वो सेटअप बॉक्स है कि इंटरनेट के बिना भी पेड चैनलों अपना अपने हुनर हिसाब से वो दिखाता है, मतलब वो उसका ये इतना अच्छा है गेन कि प्रॉपर दिखाता है वो। सी बैंड का तो पूछो मत, सी बैंड का तो अच्छा है, तो सी बैंड का पूरा फ्री चैनल दिखा रहे हो और उसका स्कैन भी अच्छा है, फास्ट है। ये देखो स्टार भारत तो HD चल रहा है, मतलब फ्री वाला भी चलता है और HD भी चलता है। ये देखो मेरा पगार है 50-50 और ओंगोल वाईफाई है, अच्छा सेट आवास है, सबसे अच्छा, इसको सॉफ्टवेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल अभी बीच में आया था वो सॉफ्टवेयर नया वगैरह 50-50 का, लेकिन मैंने अपडेट किया था वो पहले वीडियो में, बाद में मैंने चेंज कर दिया, रिटर्न कर दिया, वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये देखो मेरा इंटेक्स का, इसमें मैंने सिम डाला है एडिया का, उसमें मैंने रिचार्ज भी कर दिया अपना 29 रुपये का ओनली, 200 MB 28 दिन के लिए, पूरा महीना चलता है, मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं। वो भी मैंने वाईफाई भी लिया इंटेक्स का 900 रुपये का, और दोस्तों ये मेरा, आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट भी बॉक्स में लिखो और दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय जय महाराष्ट्र।